अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बहुत 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 ईद मुबारक अनॉनिमस की पब्लिक, दिल से अनॉनिमस की पब्लिक, तमाम मेरे भाई लोगों को, बहनों को, अजीज़ो अकारिब, हाँ हमें चाहने वाले जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी बात पर फिर शेर तो बनता है, शेर शायरी जब तक नहीं होगी तब तक मज़ा कैसे आएगा। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया बाबा जी के, जो बजता है ढम ढमा ढम ढम, उसे कहते हैं ढोल, वाह 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 वाह। जो बजता है ढम ढमा ढम ढम, उसे कहते हैं ढोल। अपने बचपन में हम खाते थे चाट और लाते थे छर्रे वाली पिस्तौल। सस्ती शायरी विद अनॉनिमस बाबा जी। तो सबके सब गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक बटन ठोक दो। आज ईद है तो आज ईद की मतलब इसी खुशी में दिल से लाइक बटन ठोक दो अनॉनिमस की पब्लिक। हम आए थे मुल्तान अपनी मिलिट्री बेस, और देख लो ईद पे भी गेम प्ले ला रहा है आपका अनॉनिमस। तो बस चुम्मी पप्पी दे के लाइक कर देना। मिलिट्री बेस आए थे गैस, काफ़ी टीमें उतरी थी, लेकिन सी बिल्डिंग जहाँ हमेशा दंगा फसाद, ऐसी लड़ाइयाँ झगड़ा होता है, वहाँ पर फ़िलहाल कोई भी नहीं आया था। हमारे पास थी DP 28, जिसको सिर्फ DP के नाम से जाना जाता है। बहुत ही कम लोग 28 नाम लेते हैं, सब DP बस। और मिनी 14 तो चलो फिर भी बोल देते हैं, मिनी बोलते हैं वैसे इसको भी, बेचारी को आधा आधा नाम काट दिया। अगर गैस हमारा आधा आधा नाम होता तो क्या होता, मुझे कमेंट करके बताना। जैसे मेरा मुबीन है तो मेरा होता मूबी, ठीक है, इन जो है वो ख़त्म ही हो जाता। तो हम अपना अपना नाम भी आज आधा करते हैं कमेंट्स में, और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। अपना अपना नाम आधा करना ऐसे फ़न के लिए, तो मतलब सीरियस वाला कुछ बुरा नहीं मान जाना इस बात पे। हाँ, फ़न के लिए हम लोग देखेंगे हमारे नाम का आधा आधा करके क्या बनता है। तो सब के सब मेरा बनता है मूवी, तो मतलब मुझे मूवी के नाम से बुलाया भी जाता है, तो हाँ ठीक है। आप सब भी अपना नाम कमेंट्स करके बताना। तो अनॉनिमस की पब्लिक, अब यहाँ पे जो हमारे साइलेंट भैया हैं वो करते हैं एक बंदे को नॉक, जो कि ऑफलाइन खड़ा था शायद से। और जब इन्होंने किया, जब ये नॉक करेंगे तो हम बाहर जाएंगे किल लेने के लिए। नॉक किया और फ़ौरन से हम जाएंगे बाहर, जहाँ बंदे होते हैं, और हमें नजर आएंगे एक मामा हीर था, बेचारा भाग रहा है। फिलहाल तो हम लूट करने में बिजी हैं गाइस, लूट का नो मजाक, पहले लूट करेंगे। सामने भाग रहा था गाइस वो बंदा, वो दिखा आपको? अभी दिखेगा आपको? नहीं दिखा तो मुझे भी नहीं दिखा, सॉरी लॉल। अब ये वो भाग रहा है, तो मैंने यहाँ पे रैंडम फायर दिया। देखो पहले मैं सीधा मार रहा था, फिर मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट मारा कि कहीं तो खड़ा होगा, मर जाएगा। तो बेचारा यहाँ पे रिवाइव दे रहा था, पता नहीं खड़ा था, तुक्के पे इसको गोलियाँ लग जाती हैं, ये बेचारा मर जाता है। और हम यहाँ पे फिर करेंगे लूट बाबा जी। और अब मेरी रमज़ान में ऐसी रूटीन जो है ना बिगड़ गई थी कि अभी रात के 3 से 4 बज रहे हैं, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, और अभी मतलब ईद वाला दिन शुरू हो चुका है, और अभी मैं नहा लूँगा सुबह सुबह, और फिर ईद पूरी ना सो के गुजारूँगा। तो आपके ईद के क्या प्लान्स हैं, या मेरी तरह सो के गुजारोगे, मुझे कमेंट करके बताना। ईद की नमाज़ पढ़ के आऊँगा, खाना वाना खा के और सो जाऊँगा, बस ये हमारी ईद गुजरेगी घर में सो के। आप लोग ईद पे क्या करते हो गाइस, कमेंट्स ज़रूर करना, और एक दूसरे के कमेंट्स रीड क्या करो गाइस, लाइक वाइक ठोको करो पब्लिक। अब हम जा रहे थे ये फैक्ट्री वाली साइड पे गाइस, मिलिट्री बेस में अपने मुल्तान में, और दो बंदे सामने नजर आते हैं बाबा जी। दोनों को हमने कर दिया डाउन, और इनकी ज़िंदगी आ चुकी है ख़तरे में, और हम भाग रहे हैं आगे की तरफ। हमारा बंदर जब वो पीछे कमर पे लटका हुआ है, मुँह लटका के, और हमारे हाथ में मिनी 14 है, क्योंकि DP में एमो नहीं बचे। यहाँ पे ये भाई थोड़े हमारे जो है ना लो लेवल के थे, हमारी तरह नूब थे ये, इनको हमने नॉक किया, और इनके एक टीममेट और आएंगे। और यहाँ मेरे साथ गाइस देखना कैसा प्रैंक होता है। यहाँ पे पहले लूट करेंगे, टैप 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 मारा, लूट के लिए रेडी हूँ मैं, और अभी देखना हमारे साथ कैसा प्रैंक होगा। गन रीलोड नहीं होगी, लेकिन शुक्र है उस भाई के पास क्रॉसबो था सिर्फ, वरना तो अपनी बैंड बच जाती। यहाँ आया मारने के लिए और मैं कुछ उठाने लग गया और रीलोड लग गया, जी क्रॉसबो लेके आ गए भाई हमारे। आज नहीं छोड़ूंगा, क्रॉसबो से बैंड बजा दूंगा। और फिर हमने इनकी भी लूट की गाइस, और मज़े से हम लोग कर रहे थे यहाँ पे लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक। और लूट का जो लॉ था हमारा वो था, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इज कॉल्ड लूट का नो मजाक बाबा जी। तो हम यहाँ पे लूट कर रहे थे, और मैं M4 के लिए पहले से एमओ उठा रखी है, और DP की जगह हम M4 उठाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हील करेंगे, फिर मारेंगे एनर्जी ड्रिंक और बूस्टर पेन किलर। ओके, अजाने हो रही है, मैं थोड़ी देर वॉइस ओवर रोकता हूँ, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे गाइस। तो पब्लिक, उसके बाद हमने लगाई एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक लगाने के बाद ओके, तो आपको आवाज़ रिपीट होती है क्योंकि गेम की साउंड ऑन था। यहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की, राइट से पहले फिर लेफ्ट से दोनों एनिमीज को किया डाउन, और बचाई अपने साइलेंट भैया की जान, जो कि नॉक हो चुकी थी। इनको ज़रा इल्म नहीं था, हमें मुझे भी नहीं पता था कि वो अचानक से आ गए, बट शुक्र है कि
हम शिकार नहीं हुए उनके इस चलाकी का, कल इस्तेमाल करने का पब्लिक। उसके बाद हमने यहाँ पे स्मोक फेंकी और फिर हम बैठ के करेंगे लूट। तो भी लाइक आज के बाद ट्राई करूँगा मैं पिछवाड़ा ना बोलूँ, हम बोला करेंगे बम बम। यस बम ठीक है। तो बम को थोड़ा सा ज़मीन की तरफ झुका के खतरनाक अंदाज में बैठ के हम कर रहे हैं लूट। बाबा जी M4 का सामान कौन कौन उठा के रखता है गाइस? के मिलेगी तो बस अटैचमेंट हमारे पास पहले से हो। मैं ऐसे ही करता हूँ, सामान पहले से उठा लूँगा और जब हमें मिलेगी बाबा जी M416 तो हम उसमें अटैचमेंट्स लगा लेते हैं। फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पे सस्ते नशे की और फिर गज में जा रहा था बगी लेने के लिए। पास पास कोई गाड़ी नहीं थी और ये गाड़ी राइट से आ रही, मेरे ज़रा इस पर वो नहीं था। बाद में साउंड आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि गाड़ी है, बच गया मेरा भैया यहाँ पे। पहले बॉर्ड की किल उठाएंगे, उसके बाद भाई का किल, उसके बाद भाई का किल यहाँ पे हम उठाएंगे। पता नहीं क्या करने आया था बेचारा यहाँ पे, शायद इसके टीममेट्स थे जिनको हमने मारा, नहीं बल्कि वो तो डायरेक्ट मेरे थे पता नहीं, बट भाई यहाँ पे क्यों आए गाड़ी लेके। अगर फ्लेयर चलती है नोवो यानी कराची और हम उसके बाद यहाँ पे लूट वगैरह करेंगे। और एक बात और गाइस, जो PIA का प्लेन क्रैश हुआ, जो लोग उसमें फौत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। तो गाइस उसके बाद हमने यहाँ पे गाड़ी निकाली अपनी, जाएंगे सामने से बगी उठाते हैं पहले क्योंकि उसका टायर जो है ठीक नहीं था। बगी उठाने के बाद हम सीधा अपनी छिपकली को लेके जाएंगे नोवो यानी कराची, जहाँ पे कर रहे होंगे मम्मी हिरदे हमारा पहले से वेट। कितना फनी लगता है गाइस अगर गौर से देखो, पीछे बंदा खड़ा हुआ, बंदा ब्रेक लगाए रियल लाइफ में, ये जाग सामने ब्लू वाले घर की छत पे पड़ा होगा बंदा। तो हम छिपकली लेके जा रहे थे और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ शायद से कि मैं मिलिट्री से प्लेयर के ऊपर नोवो रश कर रहा हूँ ना, नोवो से प्लेयर के ऊपर मिलिट्री पर रश करते हैं हम लोग। और ये फ्लेयर चलाई थी गाइस हमारे पाकिस्तानी भाई लोगों ने। तो अब यहाँ पे गाड़ी ओके ने से मुझे पता क्या वो अपनी फीलिंग आई कि मोटू नहीं बोलता, अरे यार नहीं मोटू नहीं वो बोलता है, वो चोर का क्या नाम होता है गाइस, चोर का ओके। तो यहाँ पे सारा डैमेज हमारा था और नॉक कर दिया हमारे साइलेंट भैया ने, तीन सारा डैमेज मैंने दिया था AKM का। लॉल आखिरी बंदा बचता है, फिर हम यहाँ अपने भाई को करते हैं फिनिश, फिर इनकी करेंगे लूट। और गैस वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, वो चोर जो होता है मोटू पतलू में, उसकी तरह मुझे लग रहा था, मैं बोल गया वो लूट उस स्टाइल में बोल दिया था। तो फिर इनकी मदद से करेंगे गैस लूट। और इनके पास ओम थी, ग्रोजा थी, बट अपडेटेड गन्स हैं दो, तो फिर उनके अलावा कुछ चलाने का दिल नहीं करता। तो साइलेंट भैया को बोला भाई आप ले लो, मैं AK और M4 ही चलाऊँगा। बाबा जी उसके बाद हम सीधा टक से आ जाता है ब्रिज के ऊपर, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है और हमें लगता है ब्रिज है कैंप। तो हम पहले पीछे से देखते हैं आराम से कि ब्रिज कैंप है या नहीं है, और फिर हम स्मोक फेंकने लग जाएंगे आगे की तरफ। एक स्मोक फेंकी, दूसरी फेंकी, फिर रास्ता बनाने लग जाएंगे। पहले मेरे टीममेट फेंक रहे थे और फिर फेंक रहा था, और उसके बाद मैंने एक स्मोक फेंकी और हम एक बंदा पैदल जा रहा था, एक बंदा गाड़ी से जाके चेक करेगा कि ब्रिज वाकई कैंप है या नहीं है। गाड़ी खड़ी थी, स्किन वाली गाड़ी खड़ी थी और स्पॉन भी नहीं थी, तो मतलब डर भी लग रहा था कि कैंप करके ना बैठा ब्रिज के ऊपर नीचे, वरना ब्रिज पे जब आप मर जाते हो ना नोवो या मिलिट्री लूटने के बाद तो क्या दुख होता है गाइस, बहुत ख़राब लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे स्कोपिंग करके देखा, स्टिल कोई नज़र नहीं आ रहा था, गाड़ी भी हमारी गुजर के आगे जाती है। तो शायद यहाँ पे किसी ने ना गाड़ी चेंज की थी और गाड़ी चेंज करके वो लोग चले गए थे। तो उसके बाद गाइस हम रुड़की लगाते हैं, गाड़ी में बैठ के सीधा जाएंगे सरकारी डब्बे पे, उसके बाद उसकी लूट करेंगे, लेवल 3 उठाएंगे। बाबा जी आ जाते हैं सीधा का सीधा अपने पिंडी ड्रॉप के पास। अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे काफ़ी काम करने का इस भी लूट करके, अरे लूट करके क्या बोल रहा हूँ, एडिट करके। सबसे पहले लाइक अभी नहाने जाता हूँ, फिर नहा के आऊँगा तो ईद की तैयारियाँ शुरू करते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे दुआ करने। मेरे दादा दादी फौत हो चुके हैं तो हम लोग जाते हैं एकदम की कब्र पे दुआ करने के लिए। और लाइक ईद पर तो वैसे ही चले जाते हैं, लाइक ऐसे सब जाते हैं तो हम भी जाते हैं, फूल वगैरह डाल जाते हैं कब्र के ऊपर और दुआ कर लेते हैं उनके लिए। तो गाइस उसके बाद बस मुझे वही टेंशन लगी हुई कि मैंने भी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे कोई याद कर रहा है, वैसे कहने की बात होती है लेकिन मैं भी सुन रखे कि जब आपको हिचकियाँ आए ना तो मतलब आपको कोई याद कर रहा होता है,
ये सच है या नहीं है मुझे कमेंट करके बताना, ऐसे फनी बात है। तो गाइस जिस बंदे को मैंने गाड़ी से नॉक किया था उसके टीममेट को ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ अलग स्क्वाड बैठा होता है। अरे सर जी तो बाबा जी हमने यहाँ पे एक को तो फिनिश कर दिया, दूसरा जो था वो अंदर भाग जाता है और हम इतनी आसानी से इनको जाने दे नहीं सकते थे। जो गाड़ी रुकी थी वो भाग जाती है, वो गाड़ी भाग जाती है गाइस। और जो स्क्वाड में बंदे थे वो स्टिल यहीं पर होते हैं। इसका नाम ही अजीब सा है, एड्रेनलिन ऐसा कुछ होता है बट मैं एड्रेनलिन बोल देता हूँ उसको। तो स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस में गाइस पहले से बंदे थे और मैं साइड पे आ जाता हूँ एंगल लेने के लिए। फिर हम करेंगे तीन के तीन जितने भी मैं नेड उनकी बरसात। एक मैं फेंकता हूँ मिडल वाली साइड पे फर्स्ट फ्लोर, दूसरा मैं विंडो में फेंकने जाता हूँ। लेकिन इससे घटिया नेड मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया, नज़र ही नहीं आता कहाँ जा रहा है, शायद पता नहीं कैसे लग के नीचे आ जाता है। और फिर हम एक और अंदर फेंक देते हैं और अब हम करेंगे बाबा जी AKM लेके ऊपर रश। और यहाँ हमारे एक भाई जो है ना कैंपिंग करके बैठे। ओह सर जी DPS उन्होंने काफ़ी डैमेज दिया, हम फिनिश करेंगे। फिर इनके टीममेट आएंगे जो कि नीचे देख रहे थे, उनको भी हम नॉक एंड फिनिश करेंगे। अब एक ही बंदा बचता है गाइस, वो नीचे जंप कर गया था, उसको मेरे टीममेट ने यहाँ पे फिनिश किया और ये तीनों मर जाते हैं बाबा जी। तो उसके बाद हम करेंगे मज़े से लूट। अब वो जो गाड़ी वाले गए थे उनको अभी भी खुजली होगी गाइस। वो लाइक ऐसा था कि उसका एक टीममेट मार रखा था ना, उनको पता था यहाँ बंदे हैं, तो वो घूम फिर के ना शायद साउंड ले रहे होंगे कहीं से कि फाइट ओवर हो जाए या एक स्क्वाड डेड हो जाए तो हम लोग रश करें। और जैसे ही हमने मैं यहाँ पे बैंडेज लगाने लगता हूँ, मेरा टीममेट चल जाता है बाहर की तरफ जो बार वाली बॉडी लूट रहा होता है। और इतनी देर में वो जो डार्सिया थी जिसके पीछे हम आए थे वो आ जाएगी रश करने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने डायरेक्ट रश नहीं किया बट मेरे टीममेट वहाँ पे फंस चुका था। मैंने एक नेड कुक किया बाबा जी और फेंकिंग एनिमी के बम में नेड और देखते हैं नेड फटता है नहीं। 3-2-1 बेस्ती सी हो गई, नेड नहीं फटा और फिर हम AKM लेके M4 लेके आगे करते रश। तो यहाँ पे तो मैंने एक किल कर दिया गाइस कन्फर्म। इन भाई के पिछवाड़े में आग लग जाती है, झुक के आ रहे होते हैं, सॉरी पिछवाड़ा फिर बोल दिया मैं, बम में आग लग जाती है, झुक के आ रहे होते हैं। और फिर इनको भी हम लोग करते हैं फिनिश, इनके आखिरी बंदे पता नहीं कहाँ था। अब गाइस 6 बंदे बच जाते हैं और प्लेज उनसे नॉक हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। 6 बंदे बचते हैं जिसमें 2 हमें 4 बंदे और हैं। और मज़े की बात ये दोनों नॉक होते तो इसका मतलब कि 4v2 नहीं है क्योंकि इनके टीममेट्स तो बचे होंगे, 2 तो हमने मार दिए, तो मतलब 2 टीम्स हो सकती हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि 4 होगा। तो इसलिए हम थोड़ा ईजी होके गाड़ी उठा के गाइस हम लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि जहाँ भी मिलेंगे तो हम लोग उनको डाउन कर देंगे। निकाल लिया अपनी गधा गाड़ी और स्काउट करते हुए जा रहे थे। और गाइस अभी आप देखना, गौर से देखना कि कैसे बुश के अंदर बंदा बैठा हुआ था, गाड़ी पास से गुजरी हमें वो नज़र नहीं आया। बड़े गौर से देखना आप लोग अभी, जैसे भी ये सीन चेंज होता है लेफ्ट में देखना। ये देखो गाइस बुश में से निकला और वाकई में नज़र नहीं आता, मैं कैमरा पर घुमा भी रहा था तब भी नज़र नहीं आया। और जब तक नज़र आता है देर हो जाती है, फिर हम लोग गाड़ी ऊपर रोकते हैं टॉप पे। अब मैं जाऊँगा करूँगा इस पर रश। गाइस साइड में ये बंदा पता नहीं कहाँ पे प्रोन हो जाता है, लेकिन फिर मेरा फोकस इससे हट जाएगा क्योंकि नीचे ड्रॉप की साइड पे एक अलग स्क्वाड आ जाएगा। वो शायद से 2 से 3 बंदे अच्छा। वो 3 बंदे थे, एक अकेला ये था गाइस। तो इससे मेरा टीममेट फाइट लेने लग जाता है और मैं नीचे की तरफ उनसे फाइट लेने लग जाऊँगा जहाँ पे गाड़ी आकर रुकती है। तो इन भाई को डैमेज दिया गाइस, अच्छा डैमेज दिया था, लेकिन ये नॉक नहीं होते और मुझे नहीं पता था कि 3 है। मुझे लगा एक बंदा मजे से अपनी M4 लेके आगे की तरफ रश कर रहा हूँ, इसे खतरे वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हमें क्या पता था बाबा जी कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी खतरे में आने वाली है, हमारी अकल इस्तेमाल करना काम नहीं आएगी। हमारे एक नेड फेंका एनिमी के बम में के जाके ठा करके फटेगा और एनिमी के बम के टुकड़े हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ डॉल, हाँ नेड फट गया और रेड बुल भैया हो गए नॉक। अब वो पत्थर के पीछे से गैस मारता, शुक्र है मैं प्रोन हो गया वरना मेरा हेलमेट जो वो ऑलमोस्ट डैमेज है, मैं यहाँ पे फिनिश हो जाता। और दोबारा मुझे पड़ती है शॉट, उसी बंदे ने मारी, मैं उनके 2 नॉक कर देता हूँ। पहले फर्स्ट एड लगा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो फिर अपनी बैंड बच जाएगी। मैं नहीं चाहता था यहाँ पर नॉक हो जाए, मेरे टीममेट ने आगे मॉली कर दी और फिर मैं आगे करता हूँ रश बाबा जी। मैं भाई को बोलता भाई वेट करो मैं ही रश करता हूँ, नॉक हो गया तो आप मार देना प्लीज़, मेरे को किल चाहिए प्लीज़ ऐसे करके मैं आगे जा रहा था। लेकिन यहाँ मैंने स्प्रे मिस किया, अब कवर फायर दिया खुद को खुद ही से। यहाँ मैंने लो तो किया भाई को, बट भाई ने ना ज्यूस भैया ने हमारी जो डिग्गी है ना उसको थोड़ा डिंगा कर दिया और हम फिर नॉक होके प्लीज़ हेल्प करके आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे टीममेट ने मारा तो हमारी लाइक सांस में सांस आई और ज़िंदगी, हमें लगा कि हम मौत को छू के वापस आ सकते हैं। बेशक रिवाइव होके आएँ बट यह समा सकते हैं।
मज़े की बात गैस, हमारी वेस्ट पूरी फिनिश हो चुकी है और हेलमेट पूरा फिनिश हो चुका है। अब जो सोलो बंदा बचा था, जो बुश में छुप के बैठा था, वो अकेला बचा है, ऊपर है, और वो M24 से मुझे फिनिश करने की कोशिश कर रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल हम जिंदा बचे हुए हैं। तो गैस अब मैं यहाँ पे बूस्टर वगैरह मार लूँगा और टीममेट मार करके बताया, और आपने भी देखा होगा ऊपर से वो भागा, फिर बूस्टर मारने के बाद अपने M4 लेके आगे की तरफ करेंगे बाबा जी रश, और ट्राई करेंगे कि ये वाला खिल भी हमको मिल रहा है। रीलोड करेंगे अपनी M416 सुपर की तरफ करेंगे राइट। यहाँ पे शुक्र है हेलमेट मिल गया, तो थोड़ी सी जान में जान आ जाती है। और फिर हम मार्क की तरफ देखते हैं, बंदा नज़र आता है, इस पेड़ के पीछे था, और उसके बाद पता नहीं वो कब में आ गया है, मैंने नोटिस नहीं किया। और ये नज़र आता है, तो यहाँ पे गैस हम इनको करके फिनिश उठाते हैं, विनर विनर चिकन डिनर। तो गैस उसके बाद आज का TDM, और आज के TDM हम यूज़ कर रहे हैं 7 की हम यूज़ करने वाली सबसे ज़्यादा पावरफुल गन, जो कि ग्रोज़ा है। ग्रोज़ा यूज़ कर रहे थे हम, और इसमें ना गैस बहुत ज़्यादा किल होने वाले हैं। गैस करो, अगर आपने लाइक आपका करीब भी हुआ ना तो आप जीत गए। 1 से लेके, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ, चलो 15 से ज़्यादा हैं और 35 से कम है। कमेंट करके बताओ, तुक्का लगाना कितने किल्स होंगे गैस। कोई चीटिंग नहीं, कोई नहीं देखना। 3 हम कर चुके थे किल, चौथा किल हमने यहाँ पे किया बाबा जी। ग्रोज़ा वेरी वेरी पावरफुल गन, ये हमने 5वां किल किया, और ये हम करने लगे थे 6वां किल, बट यहाँ पे नहीं कर पाए, वापस से भागने क्योंकि रीलोडिंग पर लग गई थी। नेट से हमें हुआ काफ़ी ज़्यादा डैमेज। फिर हमारे भैया आ रहे हैं, साउंड ले रहे थे हम, जैसे ही आए हमारे भैया, यहाँ पे मैं अटक जाता हूँ गाइस, मुड़ नहीं पा रहा था, डब्बे में ना अटक गए थे पाँव, तो मैं घूम रहा था बट घूम नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे हमारी बैंड बज जाती है। 5 किल हमारे थे और 5 के 5 ही हमारी टीम के थे, 4 किल हमारे एनिमीज के हो चुके थे। हम दोबारा से ग्रोज़ा लेके आगे तरफ बढ़ते हैं, एक बार हम मर चुके हैं, और यहाँ पे हमारे भाई जो थे वो टीपी पे ले रहे हैं। हमें पता था पीक तो लेंगे, काफ़ी हेल्थ खा ली हमने, लेकिन डाउन कर दिया। 7 किल टीम के, 1 किल सॉरी 7 किल मेरे, 8 किल टीम के, और शूटर 99 भैया को मारने के बाद हम एक नेड निकालेंगे और नेड फेंकेंगे एनिमी की तरफ, लेकिन इससे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा किल में। लेकिन उसके बाद ये एक बंदा डाउन किया, ये दूसरा बंदा डाउन किया, 11 किल्स हमारे हो चुके हैं गाइस टीम के, और 9 किल्स मेरे थे। फिर मैं आके एक तरफ ग्रोज़ा लेके जाता हूँ, लेट जाएंगे, लेट के हम लोग फिलहाल बच चुके हैं। 10 किल हो चुके हैं हमारे। अभी भी गाइस आपके पास है कि आप नया कमेंट्स कर सकते हो, अगर आपका पुराना आपको गलत लग रहा है, देखते हैं आपका तुक्का कैसा लगता है। समझते हमारे तुक्के ऐसे परफेक्ट लगते हैं ना कि ओके, तो काफ़ी हेल्थ जा चुकी है। वेस्ट हमारी जो वो ख़त्म हो चुकी है गाइस। मजे की बात देखना, मैं ऊपर जाता हूँ वेस्ट उठाने के लिए, उठाई नहीं और नीचे जंप कर गया, डर लग रहा था ना, एक एमओ की HP थी, फिर दोबारा से ऊपर जाके वेस्ट उठाऊंगा, फौरन से नीचे गिर जाऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास जो एमओ है वो भी 40 बची है, तो ये भी हमें एमओ उठानी पड़ेगी। 15 किल्स हमारे, 10 किल्स एनिमीज के, ये हमने भाई को डाउन किया। जल्दी जल्दी ग्रोज़ा उठा लेंगे इनकी, लेकिन साइड से पड़ती है और हम लेकिन हमारा बम जो वो डेंगा होके टेढ़ा होके उल्टा सीधा होके ज़मीन की तरफ गिर जाता है। फिर हम अपना जो बम है वो पिछवाड़ा, और फिर मैं पिछवाड़ा, मुझे आदत हो गई, थोड़ा टाइम लगेगा ख़त्म करने में। हम अपने बम को ज़मीन पर घिसते हुए आगे बढ़ रहे थे बाबा जी। ग्रोज़ा हमारे हाथ में, 17 किल्स टीम के, ये भाई को डाउन किया हमने, और 14 किल्स हमारे हो चुके हैं गाइस। 5 किल हमारे एनिमीज के कम है, और ये भाई को मैंने अभी लो किया, हेडशॉट बॉडी शॉट एक लगा था। फिर हम यहाँ भाई को कंफर्म करेंगे, भाई ने काफ़ी लो कर दिया, और ये भाई पीछे से दूसरे आ गए, हम साइड पे आ जाते हैं, हेल्थ हमारी कम है। यहाँ पे इन भाई को डाउन किया, और ये दूसरे आ गए, तो यहाँ पे इन भाई को डाउन किया। 17 किल्स 4 की स्ट्रीक, फिर इन भाई को डाउन करेंगे, और यहाँ पे हमारी बच जाएगी बैंड। कैसे घूम के गिरा, लट्टू की तरह नीचे गिरे गए हम। 23 किल्स हमारे, 17 किल्स एनिमीज के, फिर अपना बम ज़मीन पे घिसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन भाई को डाउन करेंगे, 1 किल, अब ये दूसरे की स्ट्रीक, हम स्ट्रीक बनाने की दोबारा से कोशिश करेंगे। 20 किल हमारे हो चुके हैं गाइस, पैन निकाला हुआ भाई ने, ओके अभी तक मरा नहीं भाई, ट्राई किया था मैंने लेकिन भाई मरे उन्होंने, साइड से उल्टा हमें पड़ जाएगी। और आई थिंक मैं चार बार मर चुका हूँ शायद से, पता नहीं 5 बार या 4 बार, बट 7 बार मरूंगा मैं टोटल। मैंने अपनी जितनी बार मरा मैंने दिखाया है गाइस वीडियो में। 21 किल्स हो चुके हैं, 28 किल्स टीम के हो चुके हैं, 19 किल्स हमारे एनिमीज के थे, और यहाँ पे मैंने एक भाई को डाउन किया, फिर दूसरे भाई को डाउन करेंगे, ग्रोज़ा करेंगे अपनी रीलोड, और ये वाला किल भी उठाएंगे, बहुत कम HP बची है गाइस, और बैंड बच गई। जब आप एक अच्छा सा क्लच करके HP रिकवर करने के लिए भाग रहे होते हो ना, तभी मरते हो गाइस। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है मुझे कमेंट करके बताना। और ये किल हमारा चोरी होते हुए आई गैस, ओके नहीं मिल गया, शुक्र है। वारियर भैया को डाउन किया, 34 किल्स हो चुके हैं, 26 किल्स हमारे हैं, 27 हो गए हमारे, 35 किल्स टीम के। येलो वाले भैया काफ़ी लो थे तो मुझे था इनको फिनिश करूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे रीलोड लग गई, जिंदगी खतरे में आ गई, यहाँ पे हम मरने वाले हैं शायद से, मुझे लग रहा है।
ये येलो भाई को डाउन किया, दूसरे भाई को डाउन किया और तीसरे भाई ने हमें मार दिया। 36 किल्स टीम के, 28 किल्स हमारे, और फिर हम अपना ग्रोजर लेके दोबारा से आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं भी एक और बार मरने वाला हूँ, मुझे याद नहीं है बट शायद से एक और बार मरने वाला हूँ। 29, 30, गिनती ख़राब हो गई मेरी। बाबा जी दो किल्स रह गए थे बस, मैं चाह रहा था कि दो के दो मैं कर दूँ बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो पाया था क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैं एक और बार मर गया था। ये भैया आए, इनको तो हमने कर दिया डाउन, लेकिन ये ऑलमोस्ट मर जाएगा गाइस, ये देखने ये वाला बंदा ऑलमोस्ट मर गया था लेकिन दो दो मुझे मार रहे थे तो मैं जल्दी से मर गया। और ये किला मेरी टीममेट्स को मिल जाएगा। तो गाइस आपको लगा नहीं होगा कि इतने भी वीडियो आएगी, इतने वीडियो आई तो आपको कैसा लगा मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। मेरी कोई बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना प्लीज़, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।